क्या डिफरेंस होता है ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेंथ फंक्शन से। लेंथ फंक्शन जैसे नाम से ही पता चलता है, लेंथ फंक्शन क्या होता है। लेंथ फंक्शन यूज होता है किसी लिस्ट की लेंथ पता करने के लिए। जैसे हमारी लिस्ट है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, इसके हमको अगर लेंथ पता करनी है तो हम लिखेंगे len lst, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन स्ट्रिंग में भी मैं आपको काउंट फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है, काउंट फंक्शन यूज होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अकरेंस, वो कितनी बार अकर हुआ है ये चेक करने के लिए काउंट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको चेक करना है lst.count, काउंट लेट्स सपोज 12, ठीक है, दो बार, ठीक है, देख सकते हैं दो बार। अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा एलिमेंट लिखते हैं जो इसमें मौजूद नहीं है तो ये हमको जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन होता है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन यूज होता है जब भी हम कोई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमको इंडेक्स नंबर गेट करना है तो हम इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। लेट्स सपोज आई हैव लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमको 66 का इंडेक्स नंबर पता करना है तो लिखेंगे lst.index 66, ठीक है, राइट, समझ आएगा। नेक्स्ट हमारा append। append फंक्शन होता है यूज करने में किसी भी लिस्ट में अगर हमको लास्ट में कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो हम append फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे ये सेम लिस्ट है, ठीक है, lst, अगर हमको यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है append, यहाँ पे हमने मान लीजिए 3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप लिस्ट प्रिंट कराइए, प्रिंट लिस्ट, ठीक है, ये लास्ट में हो गया। मतलब इसमें होता क्या है कि ये सिंगल एलिमेंट अगर हमको ऐड कराना है किसी लिस्ट में तो हम append फंक्शन को यूज करते हैं और ये सिंगल एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है, ठीक। और नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन बेसिकली ये भी लास्ट में एलिमेंट ऐड करता है बट हम यहाँ पे सिंगल या फिर मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे हमको ऐड करना है जैसे एक्सटेंड, यहाँ पर हमने क्या किया 4 एक लिस्ट ऐड की लास्ट में, अब प्रिंट करके देखिए, ठीक है, प्रिंट लिस्ट, ठीक है, 4 ऐड हो गया, मतलब हम एक सबस्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। अब जैसे हमको यहाँ पे कई सारे एलिमेंट ऐड करने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे lst extend, यहाँ पे हमने लिखा let's suppose comma, ठीक है, suppose and now you will check lst, ठीक है, extend हो गया। अब नेक्स्ट हमारा था इंसर्ट। इंसर्ट का यूज होता है कि हमको अगर एलिमेंट ऐड करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर तो हम यहाँ पर इंडेक्स इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आई हैव वन लिस्ट 10 20 30, ठीक है, लिस्ट, राइट। अब हमको यहाँ पे ऐड करना है lst इंडेक्स नंबर 1 पर, यहाँ पे हमको ऐड करना है इंसर्ट इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है, 1 पर हमको ऐड करना है 50, देखिए ये, अब इसको प्रिंट करके देखिए, प्रिंट lst आ गया इंडेक्स नंबर 1 पर 50 01, ठीक। अब रिमूव और पॉप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके बाद हमारा आता है कौन सा था, देखिए रिमूव
और पॉप, ये नेक्स्ट में आएंगे। नेक्स्ट हम जानते हैं डेल, क्लियर, क्लियर क्या रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर क्या होता है, जैसे हमारी एक लिस्ट है, ये जो लिस्ट थी इसको हमको अगर ऑल एलिमेंट को हमको क्लियर करना है ऑब्जेक्ट से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलएसटी क्लियर, सब एलिमेंट इसके क्लियर हो गए, एलएसटी, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी हमारा इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी है। अगर हम वही डेल कमांड का यूज करते हैं, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया डेल, ठीक है, एलएसटी, अब अगर आप प्रिंट करिए एलएसटी, तो यहाँ पर कोई ऐसे एलएसटी मौजूद ही नहीं होगी, नेम एरर नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में रिमूव और पॉप के बारे में बताऊंगा, वो इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है, तो उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जितने भी फंक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, अगर आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जब भी आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।